अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने डिस्कस करना जी अक्टूबर नवंबर का पेपर एमसीक्यू 5054 वेरिएंट 1-2। इन डिटेल इस पेपर को देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चंस हैं और क्या क्या इनकी टेक्निक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 आपका यूनिट नंबर 1 से। सो इसमें आपसे जो रिक्वायर्ड था विच वन इज़ अ वेक्टर क्वान्टिटी। सो इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही एक ऐसी क्वान्टिटी है जिसको डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। बाकी तीन क्वांटिटी डेंसिटी एनर्जी एंड स्पीड उनको पर्टिकुलर डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। सो वो स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट ही आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड आपके पास था जी कि आपने इसमें बताना जी कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट। अगर आप देखें 3 न्यूटन और 4 न्यूटन ये दो फोर्सेज आपकी एक्ट कर रही है 90 डिग्री पर। तो मैंने इस 3 न्यूटन फोर्स को शिफ्ट कर दिया है ऑन द अदर साइड। अब इन दोनों के दरमियान एंगल आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री और ये रिजल्टेंट मेरा जाएगा जी 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन और एरो साइन इस तरफ है। सो हेड टू टेल रूल अप्लाई किया, रिजल्टेंट मैंने फाइंड करना है। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बड़ा सिंपल है, 3² + 4² आंसर आपके पास आ जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 5 न्यूटन। विच इज द करेक्ट यूनिट फॉर द क्वान्टिटी शोन। EMF आपके पास होता है जी वोल्टेज और वोल्ट की फॉर्म में इसका यूनिट आता है। लेटेंट हीट होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। सो एनर्जी एफिशिएंसी जाउल्स में होगी। सो ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। जबकि सी में आपके पास आता है जी न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर और वेट का यूनिट होता है आपके पास न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 में जी रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, पास पेपर में बहुत दफा आ चुका है। अ कॉपर पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेवरल मीटर लॉन्ग। सो सेवरल मीटर लॉन्ग होगा तो हम उसको मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते। And that carries water to the tap. Measurements are taken to determine the accurately the volume. So volume के लिए हमें length चाहिए और इसका जो सा diameter required है, जहाँ से volume आप 4/3 πr उससे calculate कर सकते हैं। So हमें जो चीज़ें required होंगी, tape required होगी और calipers required होगा। Tape क्योंकि several meter है और diameter find करने के लिए जो सा हम calipers use करते हैं। Question number 5, स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास गिवन है। सो यहाँ पे अगर आप ये देखें, ऑब्जेक्ट 1 की स्पीड जो सी है वो ज़्यादा है जो रनर 1 है, और ऑब्जेक्ट 2 की स्पीड ज़्यादा है। और सेकंड ये कि स्पीड कांस्टेंट है, इट मींस कि यहाँ पे एक्सेलेशन 0 होगा। दूसरा अगर आप ऑब्जर्व करें कि ये रनर जो से हैं, इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो है रनर 2 का वो कम है, इसलिए इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कम होगा। और रनर 1 का एरिया अंडर द ग्राफ ये वाला सारा एरिया ये ज़्यादा है, इसलिए जो उनसे वो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो ज़्यादा होगा। अब आते हैं जी वो स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट, बोथ रनर्स स्टार्टेड एट द सेम मोमेंट, नॉट एट ऑल, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। रनर 1 हैज ग्रेटर एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ऑलरेडी आपको बता दिया कि दोनों केसेस में एक्सेलेरेशन 0 है। रनर 1 इज मूविंग फास्टर देन द रनर 2 और ये ऑब्वियस है इस ग्राफ के ऊपर से। ओके जी, ग्राफ आपका आ गया जी, फ्री फॉल एक्सेलेरेशन से रिलेटेड ग्राफ आपका आ जाता है। सो द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ अ कार वेरीज विद टाइम। विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द कार बिटवीन 10 सेकंड एंड 20 सेकंड इज करेक्ट। यहाँ पे आप देखें कि स्पीड जो सी है वो यहाँ पे कांस्टेंट है 10 से लेके 20, इट मींस कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है वो 0 होगा। तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपका। अच्छा, इन विच डिसेंट इज द एक्सेलेरेशन इक्वल टू द एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल जी एट ऑल द टाइम्स। तो एक चीज़ याद रखें कि जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस होगी, सो जो फ्री फॉल एक्सेलेरेशन वो जो डिसेंट एक्सेलेरेशन जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है उसका एक्सेलेरेशन हमेशा डिक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू फ्री फॉल एक्सेलेरेशन। यानी स्टार्टिंग में तो उसका एक्सेलेरेशन होगा 10, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी उसके ऊपर एक्ट करेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एक्सेलेरेशन 10 से कम होता होता 0 होगा, टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी अगर आप देखें, दैट इज द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन, द फेदर फॉलिंग इन अ वर्टिकल ट्यूब दैट कंटेन अ वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज द वेट और द ग्रेविटी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपके पास अगर आप ऑब्जर्व करें तो
ये जो रिएक्शन फोर्स है ना, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। तो ये सरफेस है, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये बेसिकली अपर डायरेक्शन में ऑप्शन सी आपके पास वैलिड ऑप्शन आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 सेंट्रीपेटल फोर्स से रिलेटेड है जी। सेंट्रीपेटल फोर्स में फोर्स एंड एक्सेलरेशन ये दोनों एक्ट करते हैं टुवर्ड सेंटर। इट मीन्स के आर जोन से दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी हमेशा उसके परपेंडिकुलर मूव करती है। सो द ओनली ऑप्शन विद द परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन इज ऑप्शन क्यू। ओके, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें कि ये राइट साइड के ऊपर मास की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इट मीन्स के इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो राइट साइड पे होगा, और राइट साइड पे आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन डी। सो मास की कंसंट्रेशन चेंज करने से आपके पास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास जो है उसको चेंज किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन में से आ गया जी। इसमें एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन गिवन है एक्स, अगर आप इन दोनों स्प्रिंग को उतार देंगे तो टोटल एक्सटेंशन इन दोनों स्प्रिंग्स की कितनी बन जाएगी, 2x। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये दोनों स्प्रिंग अटैच कर दिए सीरीज में, सीरीज में वो भी 2x एक्सपेंड किया है और ये भी 2x एक्सपेंड किया, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 4x। सो ऑप्शन डी इज द वैलिड ऑप्शन। प्रेशर इन द लिक्विड, द प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, हाइट फ्रॉम द टॉप सरफेस टूवर्ड्स द बॉटम विच इज द डेप्थ। सो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो डॉटेड लाइन है आपके पास, ये इस रेफरेंस पॉइंट से सेम हाइट के ऊपर है। इट मीन्स के द प्रेशर एट पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर विल बी इक्वल। और लिक्विड प्रेशर शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये नैरो है, ये ब्रॉडर है और ये टिल्टेड है। इट ऑलवेज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, रो, जी एंड एच। और क्योंकि वाटर है, वाटर की डेंसिटी सेम है, हाइट डेप्थ सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 बॉयल्स लॉ, द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है वो कभी भी आपके जो उनसे वो एक्सिस को टच नहीं करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके किया जी, कि मास अगर 1 kg में कंसिडर करता हूँ और उसकी वेलोसिटी 1 m/s, तो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी आ रही 0.5 फॉर एक्स, और फॉर वाई मास डबल कर दिया, वेलोसिटी डबल कर देंगे। सो कैलकुलेशन मैंने की है जी, आपके पास 4/0.5 आता है विच इज़ इक्वल टू 0.8। तो ये अगर आप वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 15 में रिलेटेड विद द वर्क पावर एंड एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, ऑलरेडी आपको पता है कि जो फ्यूजन प्रोसेस होता है उसमें लार्जर न्यूक्लियस स्प्लिट होता है स्मॉलर में, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें स्मॉलर न्यूक्लियर इंटीग्रेट करके एक लार्ज न्यूक्लियस बनाते हैं, और जो फ्यूजन का प्रोसेस है वो सन एंड स्टार की सर्फेस पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला से रिलेटेड है जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस बेसिकली आपके पास बनता है जो वर्क डन, और अगर आप वर्क डन को टाइम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो फैक्टर आता है, जो क्वांटिटी आती है, दैट इज द पावर। सो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन। नंबर 17 यहाँ पे ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस में से है जी, पिछले 5 पेपर्स में 2-3 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर 1 degree आपका प्योर मेल्टिंग आइस में शो कर रहा है और 101, इट मीन्स के दोनों का डिफरेंस अगेन आपके पास कितना आ जाएगा, 100। सो किसी भी रीडिंग के लिए ये टेम्परेचर डिफरेंस आपका जो है वो सेम रहेगा, तो करेक्ट वैल्यू इट इज द सेम फॉर एवरी टेम्परेचर। एवेपोरेशन और बॉइलिंग, एवेपोरेशन और बॉइलिंग ये डिफरेंसेस आपको आने चाहिए जी इसके लिए। सो इसमें ऑप्शन सी क्यों वैलिड है, बहुत इन्वॉल्व इंक्रीज इन मॉलिकुलर सेपरेशन, उसमें भी मॉलिक्यूल एवेपोरेट होकर आपके लिक्विड से वेपर्स में चले जाते हैं, बॉइलिंग में भी सेम ऐसे ही होता है, बहुत इन्वॉल्व है एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। सो एवेपोरेशन में एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है फ्रॉम इट सराउंडिंग, और बॉइलिंग में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको फॉर्म एंड अदर सोर्स। बोथ अगर एट फिक्स टेम्परेचर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग का फिक्स टेम्परेचर होता है और एवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच विल अकर एट ऑल द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 19 लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक का मतलब है कि इसमें यूनिट मास आएगा,
अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, और ये स्टेट चेंज करने के लिए आती है जी, लेटेंट हीट और विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि स्टेट चेंज होती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सो ऑप्शन ए इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट. A syringe containing air is sealed at one end, the piston is free to move. जब आप इसको हीट अप करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, हीट विल एक्सपेंड द एयर, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब किसी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी कम होगी. सो इसमें जो आपके पास वैलिड ऑप्शन आएगी दैट इज द ऑप्शन ए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होगा, और जैसा कि हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, सो वॉल्यूम बनने से बढ़ने से जो डेंसिटी है वो कम होगी आपकी. A metal disc is heated to 600 degree centigrade and that is lowered into the beaker of water. What happened to the mass of the metal disc and to the mass of the water in the beaker? अगर आप initial temperature देखें, initial temperature है इसका 600 और water का जो boiling point होता है वो होता है जी 100. So जैसे ही metal disc को हम उसके अंदर डालेंगे पानी के अंदर, metal disc का तो mass change नहीं होगा, लेकिन क्योंकि water at once इतनी ज़्यादा heat energy absorb करेगा, so water evaporate होगा. सो वाटर वेपोरेट होगा, इट मीन्स के ओवरऑल वाटर का जो उनसा वो मास वो कम होगा. सो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये एक आसान क्वेश्चन था, इसके लिए अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लें. सो ये वाला पोर्शन आपका जो उनसा ये क्रस्ट है, इट मीन्स ये इसकी पीक है, और ये पोर्शन इसका ट्रफ है, और हमेशा एम्पलीट्यूड यहाँ तो ये वाला डिस्टेंस होगा आपका, और यहाँ फिर ये वाला डिस्टेंस इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आ जाएगा जी, इट इज़ बिटवीन द हाफ ऑफ द पीक, ये पीक थी और ये ट्रफ था. तो अगर आप इसका टोटल ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लें, वर्टिकल ये वाली हाइट फाइंड कर लें, इसको हाफ कर लें, तो वो आपके पास बन जाता है जी एम्पलीट्यूड. ओके क्वेश्चन नंबर 23, फोर्थ स्टेटमेंट अबाउट द वेव फ्रंट. वेव फ्रंट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स आर स्ट्रेट लाइन. हमेशा प्लेन बैरियर से प्लेन स्ट्रेट लाइंस जनरेट होती है, प्लेन वेव फ्रंट जनरेट होते हैं. वेव फ्रंट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स आर सर्कुलर, और मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया आपको. अगर आप सर्कुलर ऑब्जेक्ट उसके अंदर इमर्स करेंगे पानी में तो सर्कुलर वेव जनरेट होंगी. और सेकंड केस में आपके पास आ रहा है जी के ये हमेशा परपेंडिकुलर इसके ऊपर फॉल करते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव होती है ना, ट्रांसवर्स वेव हमेशा 90 डिग्री के ऊपर फॉल करती हैं. सो ऑप्शन डी इज द वैलिड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका आता है जी रे डायग्राम से रिलेटेड. An object O is placed in front of a plane mirror. I is the image form. So object से light ray निकलेंगी, mirror से strike करेंगी, and then they will reflect. और dotted line से अगर आप join करेंगे तो ये top है, इसके सामने भी ये top आएगा आपके पास. So it reflect as though it came from top of the eye. और वो line हमें top of the image से आती हुई feel होगी. The diagram shows light passes from glass into air. So यार ये बड़ा आसान है, more to less denser medium जा रही है. So P is the angle of incidence, क्योंकि normal के साथ incident ray है. So incident ray के दरमियान और जो perpendicular के दरमियान जो angle होता है that is the angle of incidence. So 25A. ये question जो है ना technical question था. An object is placed in front of a converging lens of focal length 4 cm, the height of the image is 6 cm. So, मैंने center से लेके यहाँ ये point, यहाँ तक मैंने boxes count किए, तो ये boxes बन रहे थे 10. So, 10 boxes show कर रहा जी 4 cm को, as given this focal length है. तो मैंने object का distance find कर लिया, कितने centimeter है, और image का distance मैंने find कर लिया कि वो कितने centimeter है. So, उसको जो उनसे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओवर इमेज डिस्टेंस फाइंड किया, तो मेरे पास जो इसका आंसर आ जाता है, इमेज डिस्टेंस पहले मैंने फाइंड करना था, इमेज ऊपर आता क्योंकि इसकी रेशियो कैसे बनती है आपके पास मैग्निफिकेशन की, द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर. सो मैंने बॉक्सेस काउंट करके उसको देख लिया जी कि वो कितने बॉक्सेस बन रहे हैं मेरे पास, वो 12 सेंटीमीटर बनता है, और वो जो उनसे दूसरी साइड के ऊपर मेरे पास वो कितना बन रहा है जी, मेरे पास 6 सेंटीमीटर. सो 12/6 दैट इज इक्वल टू 2. So magnification will be 2, उसका यूनिट नहीं होता क्योंकि सेम क्वान्टिटीज के अंदर ये रेशियो होती है आपके पास. 27 और 28, स्पीड ऑफ साउंड सबसे स्लो होती है एयर में क्योंकि पार्टिकल्स आर फॉर अवे, सबसे ज़्यादा फास्टर होती है सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर. सो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन.
28 के जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर कितनी होती है जी? स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर आपके पास होती है जी अराउंड 310 से 350, सो नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज द ऑप्शन डी। इसको मैंने पोल ड्रॉ कर लिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा निकलती है नॉर्थ पोल से, टर्मिनेट होती है साउथ पोल से, और इसने कहा जी कि दूसरा भी बार मैग्नेट है, अगर वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी कौन सा पोल आएगा नॉर्थ पोल, और यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा एस पोल। सो अकॉर्डिंग टू दिस द ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एक ही आपके पास की पॉइंट है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना है, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट आपके एक्स प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, जब आप वाई उसके पास लेके आएंगे तो सारे जो है वो नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करेगा, सारे पॉजिटिव इस तरफ होंगे। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना है फ्रॉम ग्राउंड टू वर्ड्स प्लेट वाई, सो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा और उसके ऊपर सिर्फ जो है वो नेगेटिव चार्जेस बाकी बच जाएंगे, मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की होनी है। इसी चैप्टर से रिलेटेड लाइटनिंग कंडक्टर में कॉपर वायर इसलिए यूज़ की जाती है जी कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बड़ा इजीली उसमें से ऑल्टरनेट पाथ के थ्रू जो है वो फ्लो करके ग्राउंड में चला जाएगा। विच सिंबल डज नॉट रिप्रेजेंट अ पावर सोर्स? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सेल है आपके पास, ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई बैटरी है, सो वोल्ट मीटर इज नॉट अ पावर सोर्स। रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई इन ईदर अ पैरेलल सर्किट और अ सीरीज सर्किट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं, सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है सीरीज में और पैरेलल में सेम रहता है। इसके करेक्शन कर लेते हैं जी, एंड अच्छा इसके क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिए एंड रिमेन सॉरी और इसके क्वेश्चन कर लीजिए एंड रिमेन सेम इन पैरेलल, सो करंट विल रिमेन सेम इन ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैरेलल में सेम रहता है। 34 पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो अगर आप 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 कैलकुलेट करें तो सबसे कम रेजिस्टेंस आपके पास आएगी जी ऑप्शन ए, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में, अगर इसमें कोई भी एक सीरीज में अटैच होती है तो उसकी रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ जाती थी, तो एमीटर की ग्रेटेस्ट रीडिंग आएगी जी ऑप्शन ए में। सो सीरीज कम्बिनेशन में जब आप रेजिस्टेंसेस को अटैच करते हैं सीरीज में सो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, फॉर्मूला P=V²/R, सो रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो पावर कम होगी, सो लोएस्ट पावर होगी आपके पास व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और हाईएस्ट पावर होगी व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो बड़ी ऑब्वियस सी बात है जिसमें ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज जो है ना दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि दोनों को हम यूज करते हैं जी इन ऑर्डर टू लिमिट द फ्लो ऑफ द करंट, और दोनों हमेशा लाइव वायर में अटैच किए जाते हैं, और फ्यूज मेल्ट होता है जबकि सर्किट ब्रेकर आपका वर्कआउट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो ऑप्शन बी। 37 में आपके पास आ रहा जी पावर स्टेशन के बाद ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया जाता है, पावर का फॉर्मूला होता है जी VI, सो पावर लॉस आपके पास, अगर आप पावर लॉस की बात करते हैं तो पावर लॉस का फॉर्मूला आता है P=I²R, सो अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो पावर लॉस भी कम होंगे, सो टू डिक्रीज द करंट एंड इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पावर स्टेशन, ऑप्शन बी। 38 आपके पास आ रही है क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होगी तो ऑब्वियसली करंट आपका जो है वो इंक्रीज करेगा, और वैसे भी एक नॉन लीनियर क्वांटिटी है टेम्परेचर, और थर्मिस्टर के अंदर टेम्परेचर स्टेडिली जो है वो इंक्रीज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि V/I का ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करता है जी रेजिस्टेंस है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस 30 डिटेक्टर 20 सेंटीमीटर अबव द पेशेंट, सो अल्फा पार्टिकल तो इसमें तीन दो ऑप्शन में अल्फा पार्टिकल गिवन है, अल्फा पार्टिकल तो उसमें से पास ही नहीं कर सकते, सो गैमा रेज में हम यूज़ करेंगे, सो यहाँ तो ऑप्शन होनी चाहिए थी सी या डी,
लेकिन जो फ्यू ईयर्स ऑफ हाफ लाइफ दैट इज रियली वेरी डेंजरस, वो डिके होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. सो अ गैमा रे एमिटर विद अ हाफ लाइफ ऑफ अ फ्यू आवर्स. और ये आइसोटोप वाला क्वेश्चन है जी, इसको भी मैं सॉल्यूशन इसका आपके साथ शेयर करता हूँ. एंड आइसोटोप ऑफ लेड Pb 82 212, तीन डिके इसमें हो रहे हैं, दो बीटा और एक अल्फा डिके. सो इसका देखते हैं कि आंसर ये क्यों आया. तो यहाँ पे अगर आप देखें, पहले इसमें से दो बीटा पार्टिकल इमिट किए. जब बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं तो आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय वन, क्योंकि दो बीटा पार्टिकल हैं तो दो इंक्रीज होंगे और एटॉमिक मास विल रिमेन सेम. अब इसी एक्स में से एक अल्फा पार्टिकल और इमिट करवा दिया, सो अल्फा पार्टिकल का मतलब है कि आपके पास एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय टू एंड एटॉमिक मास विल डिक्रीज बाय फोर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 208. कमेंट्स जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें. इंशाल्लाह पेपर टू भी लेके आपके पास हाजिर होंगे बहुत जल्द. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.